बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फातिमा और आप देख रहे हैं मरवा फैमिली ब्लॉग। और मैं आपको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहती हूँ। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो जनाब, मौसम चेंज होने की वजह से मुझे हो गया हुआ है 2-3 दिन से बुखार, जिसकी वजह से मेरा ये सारा मुँह हुआ हुआ है। जो जख्म बन जाते हैं बुखार के बाद मुँह में, वो बना हुआ है। और मैं अभी करके हटी थी कपड़े प्रेस, फारिग हुई थी सुबह से। मैंने आज कुछ नहीं किया, बस लेटी हुई थी कि बुखार की वजह से उठा भी नहीं जा रहा था। तो अभी मैंने कपड़े प्रेस किए, तो मैंने कहा मैं शेयर कर दूँ। और साथ साथ ये देखिए जी, कपड़े मैंने प्रेस करके रखे हुए हैं, ये देखिए जी। तो अब मैं इनको ना समेट लूँ, कितनी नहीं मैं तो और देखिए इनको हैंग कर लूँ। अब मैं ज़रा कपड़े समेट लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कपड़े समेट लिए हैं। देखिए जी, कपड़े तो मैंने यहाँ से आप समेट लिए। ये वाले कपड़े उमर के हैं प्रेस किए हुए, ये दूसरी अलमारी में जाएंगे। ये मैं वहाँ पे रखूँगी क्योंकि अभी तो वहाँ पे उमर सोया हुआ है। जब वो उठेगा फिर वहाँ से चार पैक हटा के उस अलमारी में रख दिए जाएंगे। अच्छा जी, मेरी ना तबीयत नहीं ठीक है, आपको मैंने बताया ना। तो मैं खाने लगी दवाई, तो मैंने कहा साथ में चाय का कप पी लेती हूँ। यकीन करें कि सुबह से अभी तक शाम के तकरीबन 4-5 बजे का टाइम है, अभी तक यानी कि जो है ना कुछ आँखें ही नहीं खुल रही। और साथ ही ना मैं कल गई हुई थी बाज़ार, तो बाज़ार गई तो मैं सारी वेजिटेबल्स इकट्ठी ले आई है। वो मैंने ला के रात को काटी, काट के उनको फ्रीज धो के फ्रीज किया ऊपर वाले हने में, मैंने फ्रिज में फ्रीज कर दिया। पहली दफ़ा मैंने ऐसे किया है, तो अगर ये मेरा तजर्बा यानी कि कामयाब रहा तो फिर मैं आप लोगों के साथ भी इसकी टिप्स शेयर करूँगी इंशाल्लाह कि कैसा रहा ये मेरा यानी कि एक्सपीरियंस, के सब्जियाँ ला के काट के हम लोग रख लें तो हमारे लिए क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, जो होती हैं मुलाजमत यानी कि जो जॉब्स करती हैं जो खवातीन, उनके लिए भी हो जाता है बेनिफिट्स कि वो संडे को अपना सारा काम कर लें, बाकी पूरा वीक वो अपने जॉब भी करें, अपने बच्चों को भी प्रॉपर टाइम देख सके। तो रात को कल मैं गुजरी थी तो वहाँ से बाजार से जो सब्ज़ी मुझे मिल गई अच्छी है, फ्रेश फ्रेश सब्ज़ी थी, वो मैंने ले ली। आम का टाइम मंडी के पास से हम गुजरे तो वो मैंने ले ली। तो रात को फिर जब बैठे हुए थे तो बैठे हुए बच्चे और हम सब मिल के तो हमने बना ली फटाफट, बना के हम फारिग हो गए। तो जनाब आज ना शहरी ऊपर आया मेरे पास, मुझे मिलने के लिए आया, कह रहा पप्पू मैं जा रहा हूँ अपनी नानो घर, कि 3 से 4 दिन अपनी नानो घर जाएगा। पहले नूर फातिमा लोग आए हुए थे, वो अपने घर चले गए हैं, खैर उन्होंने तो अपने घर जाना था। तो उससे भी नहीं हम ठीक हुए, अभी हमारा दिल उससे उदास हुआ, वो कल की गई है। और आज ये जनाब साहब तैयार होके आ गए मिलने के लिए कि पप्पू मैं नानो घर जा रहा हूँ 3-4 दिन के लिए रहने के लिए। देखे जी, ये देखे जी क्या बन, ओए गया गया गया, अब आप आ गई ये नहाई है, अब तो कह रही मेरी फोन ही कर दे। ये शहरी इधर बैठेगा और इधर शहरी को इधर लटा दिया है। ये मिलने जाए भी इसकी मामा तैयार होनी, तब तक ये ऊपर मेरे पास है। तो मरवा कह रही मेरी फोन ही कर दो, ये नहाई है आज, इसमें फोन ही करने लगी। और उधर हारिस भी आ गया, हारिस हारिस साहब भी नहा को चेंज कर दे बेटा, हमजा भाई को भी को शेरी, अब आप के बाल खींचने शेरी, मरवा के थोड़े से भी बाल खुले हो ना तो शेरी बड़ा किसके बाल खींचता है। अच्छा गाइस, आप सबसे एक बात करनी थी कि प्लीज़ दुआ करें कि हमने जो भी काम शुरू करना है या जिस काम के लिए हमने भी कदम उठाया है ना, अल्लाह पाक हमें उस काम में कामयाब करे और हमारा वो मकसद पूरा करे। तो जैसे ही वो हमारा काम होगा फिर हम आपको सरप्राइज़ भी देंगे, अगर ना हुआ तब भी बताएंगे। अल्लाह ताला से हमने तो ये भी उम्मीद रखी हुई है कि हमारा कोई ना कोई अच्छा काम, हम अच्छे काम के लिए चल रहे हैं, हमारा वो काम हो जाए। इसके लिए आप सबसे मैं कह रही हूँ कि जो भी जितने भी हैं मेरे देखने वाले यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स, प्लीज़ मेरे लिए दुआ करिएगा कि हम, मैं और मेरे हस्बैंड, हम जो भी मिलकर काम सोच रहे हैं अल्लाह पाक हमें उस काम में कामयाब कर दे। आप सबकी दुआओं की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लाजमी दुआ कीजिएगा, फिर मैं आपको सरप्राइज दूंगी। सरप्राइज भी आपको जल्द ही मिल जाएगा, कुछ तकरीबन मैक्सिमम 10 से 15 दिन के अंदर के हम क्या काम स्टार्ट कर लें वो भी मैं आपको बताऊंगी। 15 से यानी कि इस मंथ के लास्ट तक, अक्टूबर के लास्ट तक हम आपको बता देंगे। अगर हमारा वो काम स्टार्ट हो गया तब भी आपको बताएंगे, अगर ना हुआ तब भी आपको बताएंगे। बस अभी लाल हम आपसे यही कह रहे हैं कि आप हमारे लिए दुआ करें कि वो हमारा काम हो जाए। शहरी जेरी जो हमारा शहरी है ना, ये अपना वीडियो में आप बहुत कम नजर आता होगा, ये
पिछले कुछ दिनों में इसको जुकाम होने लग पड़ता था, कुछ हम नूर फातिमा में मसरूफ हो गए। नूर फातिमा आई हुई थी, ये ऊपर काम आता था मेरे पास। फिर मेरे साथ नाराज हुआ है कि मैं जब लेने गई हूँ तो मैंने नहीं आना, आप नूर फातिमा की पुप्पो बनो, मैंने नहीं बनना आपका काका, आपका काका नूर फातिमा है। चलें जी, इसके साथ आपको अगर आज की छोटी सी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इसके साथ दीजिए मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।